to showcase their act, which has been labeled as one of the most dangerous acts of America's Got Talent. They were amongst the very first Indians to be Got Talent. हमको बदलने की कोशिश ना करो, हम बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। Movement that he has started in the fraternity of martial art and in rises with martial art. Then the second item is Meenakshi Amma will be performing. What a call, etc. Then comes the
comprising, amazing fighting techniques using metallic weapons like sword, shield, daggers, etc. And the fourth and the final stage of Kalaripayattu is Verukai or bare-handed technique. It is mentionable that the word karate also means bare-handed, Verukai. And it is believed that the seeds of Kalaripayattu were taken by Buddhist priests like Bodhidharma to China and then to Far East, where it spread as other form of martial arts like karate and kung fu. And that was a wonderful performance, and we all would like to know the secret of Meenakshi Amma's fitness. Amma, you were super. Great respect for the martial arts, which is the oldest form of martial art in India. We are very proud that martial arts has originated from our country also. Akshay sir. Akshay sir. Thank you, Meenakshi Amma. Sir, Akshay sir, Akshay sir. I request dignitaries to please come on the dais. Coming up, one more crazy performance. सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी माता पिता का सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि आप अपने बच्चों को यहाँ लेके आते हैं और आप लोग उनके सपनों को पूरा करने में उनकी पूरी मदद करते हैं. मैं उन सभी माँ बाप को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे अपने माँ बाप की याद आती है. जब वो लोग मुझे ऐसे ही एक कराटे कैंप में, कभी कराटे टूर्नामेंट में लेके जाया करते थे. बच्चों मैं बताऊं, आप लोग जिंदगी में अगर कामयाबी पानी है तो हमेशा अपने माँ बाप के चरण छूना, क्योंकि उसी में ही कामयाबी है. और दूसरी बात, जैसे कि सुधीर चौधरी साहब ने बताया कि वो हमारी मदद करेंगे कूडो को रिकॉग्नाइज कराने में, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर साल
आदित्य ठाकरे हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के हाथ पे हाथ पकड़कर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, चाहे वो टूर्नामेंट हो, चाहे वो वुमेन्स एकेडमी हो जहां सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। मतलब मुझे कभी भी इसकी कोई तकलीफ नहीं होती, बिकॉज ही ऑल्सो बिलीव्स इन सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिफेंस एंड कुडो। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आदित्य का, और ये भी कहना चाहूंगा कि मेरी हीरोइन कैटरीना कैफ, मैंने ये अभी करीबन 3-4 दिन पहले ही, शी जस्ट केम फ्रॉम अमेरिका, मैंने इनको कहा कि आपने इधर आना है, एक सेकंड नहीं लगाया कहने के लिए कि आई एम कमिंग फॉर द टूर्नामेंट एंड शी इज हियर टुडे। सो कैटरीना थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, बिकॉज आई नो हम सभी इनके फैन हैं। जैसे मैं कभी कोई चीज को देखता हूं ना, तो मैं एडमायर करता हूं कि किस हिसाब से ये लड़की जब इधर आई थी फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये सोच के कि मैं हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती हूं। उस वक्त उसको हिंदी का एक शब्द नहीं आता था, लेकिन वो घर, वो अपने जहन में, अपने दिमाग में ये तमन्ना लेके आई थी कि मैं हिंदी फिल्मों में काम करना चाहूंगी। उसी हिसाब से आज आप देखो, सो शी इज द बिगेस्ट सुपरस्टार इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। दैट मींस सिर्फ दिल में तमन्ना होनी चाहिए कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। आप ये दिल में तमन्ना हमेशा, ये आग हमेशा जलाए रखना। यू नेवर नो आप में से कौन फिल्म इंडस्ट्री में होगा, आप में से कौन बहुत बड़ा बिल्डर होगा, आप में से कौन बहुत बड़ा मार्शल आर्ट होगा, मार्शल आर्टिस्ट होगा। तो बस दिल में हमेशा सपना रखना, ओके? Thank you very much, and thank you very much, media, everybody, all the photographers. और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, खास करके इस आदमी से, प्लीज लड़ने मत आया करो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बेटे, अगर लड़ना है तो ब्लैक बेल्ट पहनो और सामने आओ। Thank you very much everybody, and above everyone I would like to thank Mehul Borazad and also all his boys, all the girls, I wouldn't say all his girls, so all the girls, thank you very much for supporting this tournament, because without your support, without you guys' support, this tournament would not exist. So thank you very, very much. We are honored by your gesture, Shihan. Shihan has sponsored a 1-month all expense paid trip to Philippines or Thailand worth 2 lakh rupees to participants to train them for the coming World Cup in Japan 2018. Let's give him a big round of thank you. I would like to honor our medical director, Dr. Keval Sondagar. Please run to the stage and the physio clinic. Come on, please come here and accept our memento and token of thank you.